तो फाइनली जिस शनिवार का हम सभी को इंतजार था वो शनिवार आ चुका है और खत्म हो चुका है आज का स्मैकडाउन का एपिसोड। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन का एक मोस्ट अवेटेड जरूर एडिशन था। और आज का जो स्मैकडाउन का शो है वो सिर्फ एक पुराना स्मैकडाउन नहीं था, बल्कि शो पर एक बहुत बड़ी रिटर्न हो चुकी है और जिमी उसे एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, जिमी उसे अपने भाई जे उसे की तरह नहीं है, बल्कि वो है हमारे ट्राइबल चीफ के खिलाफ। तो क्या कुछ शो के ऊपर होता है इस चीज को लेकर, साथ ही में जो सेथ रॉलिंस और सिजारो के बीच मैच था, अब वो बन चुका था एक नंबर वन यूनिवर्सल चैंपियनशिप का कंटेंडरशिप वाला मैच। इसके अलावा शो पर और भी कौन कौन सी कमाल की चीजें होती हैं, टेडी लॉन्ग भी शो पर वापस आते हुए नजर आते थे, उन्होंने क्या कुछ किया, तो वही सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो में। आपको काफी मजा आने वाला है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आती है हमारे ट्राइबल चीफ के साथ ही, और शो की स्टार्टिंग के अंदर हमें पॉल हेमन साथ ही में जे उसो और रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं। ऊपर से आज का जो स्मैकडाउन का इंट्रो था वो भी काफी पुराना टाइप लगा, जो थंडर डोम के अंदर फीस्ट वाला हम लोग सोच रहे थे स्मैकडाउन रिटर्न करेगा स्टेज, वो रिटर्न तो करते लेकिन ग्राफिकल वे के अंदर, और उसके बाद रोमन रेंज पॉल हेमन ये सभी हमें रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर पॉल हेमन बात करते हैं किस तरीके से रोमन रेंज ने वही किया जो कि डैनियल ब्रायन के करियर के लिए काफी अच्छा था, लेकिन आज एक 10 बेल सल्यूट देने वाले हैं वो लोग तीनों मिलके डैनियल ब्रायन को, और वो कहते हैं कि जो टाइम कीपर बंदे तुम बैठे हो ना यहाँ पर घंटी बजाने के लिए, तुम्हारी जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास अपना खुद का स्टाइल है। फिर जो पॉल हेमन है और जे उस रोमन रेंज है वो हमें तीन बार अपना जो सिर नीचे झुकाते हुए नजर आते हैं, जब यहाँ पर पॉल हेमन खुद डिंग्स डिंग्स की आवाजें निकालते हैं। और उसके बाद रोमन रेंज कहते हैं जैसा मैंने कहा था कि मैं ब्रायन की तरह नहीं हूँ, मैं अपने एकदम वादों का पक्का हूँ, और जैसा मैंने कहा था मैंने वैसे ही किया और मैंने हरा दिया डैनियल ब्रायन को और उसका करियर कर दिया खत्म। और अब इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी को मुझे एक नॉलेज करना पड़ेगा, और रोमन रेंज ने पूरी तरीके से उस मैच के अंदर स्मैश करके रख दिया, पिन करके रख दिया और करियर खत्म करके रख दिया ब्रायन का। और फिर वो कहते कि आज फॉक्स के स्मैकडाउन के कमाल के एडिशन के ऊपर सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पास और कुछ भी, और वहां से हमें जिमी उसो रिटर्न करते हुए नजर आते जो कि काफी लंबे टाइम से इंजरी के अंदर ही बैठे थे। जिमी उस समय रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं, वो रोमन के साथ हाथ वगैरह मिलाते हैं। जैसे इनकी सेलिब्रेशन स्टार्ट होने चलती है वहां से हमें स्विस आइबॉट सिजारो आते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं जिमी उसे तुमको कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन आज जो मेरा पूरा फोकस है वो रोमन पर नहीं बल्कि सेथ के ऊपर होने वाला है। और अचानक से पीछे से सेथ रॉलिंस हमें हमला करते हुए नजर आते हैं। फिर टेडी लॉन्ग वहां से आता है, टेडी लॉन्ग कहते हैं भाई वो एडम पियर्स से कुछ पावर्स वगैरह लेकर आए हैं, और वो ये बात अनाउंस कर देते कि जो इन दोनों का मैच होगा अब वो एक नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच बन चुका है, जो विनर होगा वो यूनिवर्सल चैंपियन रोमन का फेस करेगा। इस बार बैकलैश के अंदर सेथ वर्सेस सिजारो का मैच शुरू हो जाता है। मैच भैया बहुत ज्यादा कमाल का जाता है, शो की स्टार्टिंग के अंदर इतना कमाल और धमाल का मैच देखना मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ी चीज थी। हाँ बीच में एड बहुत बार आती है, लेकिन मैच जैसा मैंने कहा कमाल का गया। और इस मैच की एंडिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज और एक तरह का ट्विस्ट होता है, होता है सेथ रॉलिंस मैच के अंदर जीत रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहां से जिमी और जे उसो आते हैं और वो लगाते हैं सुपर किक सेथ रॉलिंस के फेस के ऊपर, इसे का एडवांटेज सिजारो उठाते हैं, वो न्यूट्रलाइजर लगाते हैं और 1, 2 एंड 3 और सिजारो बन चुके हैं आशो के ऊपर नंबर वन कंटेंडर, और अब वो फेस करने वाले हैं रोमन रेंज का WWE के रेसलमेनिया बैकलैश के शो के अंदर। तो भाई मजा मुझे काफी आया। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर रूबी रैट वर्सेस कार्मेला के बीच एक सिंगल सेक्शन होता है और कार्मेला करीबन 2 मिनट के अंदर यहां पर निपटारा करते हुए नजर आती है। WWE हमें एक पुरानी अपनी वीडियो भी दिखाते हुए नजर आते हैं जहां पर बिग शो ब्रॉक लेसनर का स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर 2003 के अंदर आई थिंक वो मैच हुआ था। लेकिन उसके बाद शो की तरफ हम लोग एक बार फिर बढ़ते हैं और यहां पर हमें बेली और बायंका ब्लेयर आमने सामने आते हुए नजर आती है। यहां पर कुछ बातचीत होती है और एक प्रोमो सेगमेंट होता है रिंग के बीच बीच में। लेकिन अब बैक स्टेज की तरफ हम लोग एक बार फिर बढ़ते हैं जहां पर हमें क्या दिखाई देता है, इस बार सेथ रॉलिंस जाते हैं और वो मिलते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से, क्योंकि भाई आज उनके ब्रदर्स के कारण हमें सेथ रॉलिंस उस मैच के अंदर हारते हुए नजर आए। यहां पर क्या बातचीत होती है WWE हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताती है। उसके बाद जो रोमन रेंज है वो हमें उससे पहले जियोसो को भी बुलाते हुए नजर आते हैं, वो उनसे भी बातचीत करते हैं। और इसके बाद शो पर रे मिस्टीरियो वर्सेस जिगलर के बीच भी हमें एक मैच दिखाई देता है। इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो हमें जीते हुए नजर आते हैं, और वह चलो काफी खुशखबरी वाली बात थी कि मैच के अंदर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो जीते हुए नजर आए। इसके बाद शो के ऊपर रेजिनल वर्सेस टामिनो सुनोको के बीच एक इंटरजेंडर मैच होता है, मुझे लगा शायद मैच के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, मैच थोड़ा बहुत जाते लेकिन आखिरी में जैसी टामिनो जीतने चलती है यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, टामिनो सुनोको की डिस्ट्रैक्शन
सेक्शन से इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से एक्चुअली में जीत दिखाई दे जाती है। शोपर अपोलो क्रूज, सैमी ज़ेन, किंग कॉर्बन, चैड गेबल एंड ओटिस वर्सेस केविन ओवंस, बिगी, शिंसुके नाकामुरा एंड स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच भी एक मैच होता है। ये जो मैच है काफी लंबा नहीं जाता, थोड़ा सा मैच ही जाता है और आखिरी में हमें किंग कॉर्बन, सैमी ज़ेन, ओटिस, चैड गेबल एंड अपोलो क्रूज यानी कि जो हील टीम है पूरी की पूरी जीतती हुई नजर आती है। अब हम लोग एक तरह के मिनी इवेंट वाले सिनेरियो की तरफ बढ़ चुके हैं और इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, रोमन रेंस हमें जे उसो से मिलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं देखो मैं तुमसे भी उतना प्यार करता हूँ और उतना ही प्यार मैं करता हूँ जिमी उसो से, और जिमी उसो को भी मैं चाहता हूँ कि उसका करियर एकदम टॉप के ऊपर जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार टेस्ट करना पड़ेगा अभी फिलहाल जिमी उसो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो चलो इस बात का पता हम लोग अभी के अभी लगा लेते हैं। ये जो दोनों ब्रदर्स से जाते हैं भाई तुरंत रूम से उठ के, और उसके बाद रिंग के बीचों बीच में हमें थोड़ी देर बाद रोमन के साथ जे उसो दिखाई देते हैं, पॉल हेमन होते हैं और वो वहाँ से जिमी उसो बुलाते हुए नजर आते हैं। जिमी उसो जरूर रिंग के अंदर आते हैं लेकिन लगता है ऐसे कि वो रोमन रेंज से भाई एकदम साथ में उनके रहना चाहते नहीं है, और थोड़ी देर बाद वो हमें खुद को रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंज काफी गुस्से में रिंग में खड़े होते हैं, अचानक से पीछे सिजारो आते हैं और भाई सिजारो जो है वो ट्राइबल चीफ की धुलाई शुरू कर देते हैं अपर कट्स और अपर कट्स के साथ। एक्चुअल में जो जे उसो है वो जिमी उसो को रिंग साइड पर बनाने जाते हैं, जैसे सिजारो का हमला होता है जे उसो एक बार फिर से भाग कर आते हैं, लेकिन जो जिमी उसो है वो बाहर खड़े होकर हम एक तरह का तमाशा देखते हुए नजर आते हैं और वो डिसीजन करते हैं क्या मैं रिंग के अंदर जाऊँ या फिर रहन दो भाई, जाने के लिए मुझे पिटाई खानी नहीं है। और उसके बाद जैसे जे उसो जाते हैं जे उसो पिटते हैं, थोड़ी देर बाद जरूर जिमी उसो जाते हैं लेकिन भाई जिमी उसो के भी आज शो के ऊपर धुलाई हो जाती है और अकेले हमारे सिजारो तीनों की धुलाई शो की एंडिंग के अंदर करते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है। ओवरऑल अगर मैं शो की बात करूँ, शो के लिए हाइप काफी बनी थी और स्पेशली जो रोमन रेंस वाली थिंग थी मुझे काफी अच्छी लगी। जिमी उसो वापस आ चुके हैं, देखने में मजा आएगा क्या आने वाले टाइम में उसो वर्सेस उसो का मैच अब होता है या फिर नहीं। बाकी भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आज के स्मैकडाउन के शो को मैं 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा, मुझे सही में काफी मजा आया। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।